हेलो दोस्तों, मैं माला चुटी जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ, आज मंगलवार है तो आज मेरा वेज खाना है। तो आज मैं खसखस के संग आलू की सब्जी, ये कैलकाटा का एक डिश है, लेकिन ये बीरभूम जिला का है। कैलकाटा में ही एक बीरभूम जिला एक स्टेट है, वहाँ पे ये मिलता है, ये वहाँ का ये फेमस डिश है। तो वहाँ पे इसको प्याज के संग बनाया जाता है। देख लीजिए मैं कैसे क्या कर रही हूँ। ये एक चम्मच मैंने खसखस लिया है, देख लीजिए, पास से देख लीजिए, खसखस लिया है एक चम्मच, एक टेबल स्पून है ये। इसको मैं पहले इसके पीस करके आती हूँ। ओके, पहले इसको पीस लूंगी, फिर मैं तब तक के लिए मैं इसको आलू को फ्राई करने के लिए दूंगी एक मिनट। ये देख लीजिए, ओके, कढ़ाई में बैठा दिया है। आप दो चम्मच इसमें तेल डालूंगी। सरसों का तेल है, ओके, बस सरसों के तेल में मैं, गैस ज्यादा है, बड़ा हुआ है, गरम हो जाए इसके बाद मैं आ रही हूँ। ये देखिए, इसमें एक मिर्ची गया, और प्याज जाएगा, ये प्याज, आधा प्याज दिया है मैंने, आधा टमाटर आधा प्याज, क्योंकि मेरा क्वांटिटी जरा कम है। एक आलू मैंने, एक बड़ी साइज का आलू लिया है। अब आलू दे दूंगी मैं, देखिए ये अंदर का ये नहीं जाएगा, केवल इसका ये गुद्दा इसका ले देना है, ये पानी इसमें, ये जो है टमाटर का, ये चीज अंदर का चीज नहीं देना है, खाली ऊपर ही ऊपर इसको देना है बस। अब इसमें मैं नमक दूंगी, स्वाद अनुसार नमक दूंगी, हाफ चम्मच करीब नमक दूंगी। हल्दी तो पड़ता नहीं है, लेकिन हल्दी मैं थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा दूंगी, स्लाइटली, हल्का सा, बस इतना ही, हल्दी नहीं पड़ता है पोस्ट बनाने में। अब मैं टमाटर दे दूंगी, दो हरी मिर्च दूंगी और एक कप पानी दूंगी, ज्यादा नहीं, एक कप। ये देखिए, एक कप पानी चल जाएगा बस।
गैस कम कर दूंगी और इसको कवर कर दूंगी। अब मैं पीस करके आ रही हूँ। अब देखिए इसको बंद कर दिया जाता है और फिर इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब मैं इसको दूंगी, जिससे कि इसका ये बीरभूम जिला में ऐसे ही पोस्तदाना बनाया जाता है। इसको ठंडा करके तब दिया जाता है, थोड़ा सा ठंडा होगा जिससे कि पोस्तदाना का फ्लेवर आ जाए। इसके लिए थोड़ा सा 5 मिनट हो जाए, इसके बाद मैं इसको दे दूंगी। तब देखिए 5 मिनट हो गया है, अब मैं इसको दे दूंगी। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। गैस बंद है, इसमें क्या होगा कि पोस्तदाना का जो फ्लेवर है वो बरकरार रहेगा, और अगर गैस जलते हुए में आप दोगे तो इससे इसका फ्लेवर जो है वो कम हो जाता है। इसीलिए इस जिला में इसी तरह से बनाया जाता है। ये एक अलग जिला है, कलकत्ता में ही है। मैंने हरी मिर्च डाल दिया है बस, हरी मिर्च, ये लाल मिर्च है, देख लीजिए, बीरभूम का पोस्तो, खसखस की सब्जी, आलू खसखस की सब्जी, बीरभूम जिला की है ये, कलकत्ता की एक जिला की है ये। इसी तरह से इसको पोस्तदाना को बनाया जाता है। बहुत अच्छा लगता है वैसे खाने में, एक बार आप बना के देखिए, अच्छा लगता है। रोटी के संग, पराठे के संग भी अच्छा लगता है। ओके।